15 अगस्त 1990 को उनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वीपी सिंह साहब ने लाल किले की फसीली से सबसे बड़े दिन पर सबसे बड़े किले से कायनात के सबसे बड़े इंसान काबिल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद नबी की खुशी गए। वाहिद पार्टी अपने को सेकुलर समझे, वाहिद पार्टी जनता में है जिसके नाम के साथ सबसे सेकुलर भी लगा हुआ है। अक्सर रायचूर शहर में मशहूर रिवायत है कि हम इस हुकूमत की कुर्सी वाले नहीं, हम अंतर कुर्सी वाले हैं। ये आपका कहना था और आपके रायचूर के बड़े भाई थे समस्त सिद्धि के साथ अक्सर आपको याद भी किया था। तो सर आपके सियासी सफर का थोड़ा सा रोशनी डालकर भी हाथ पर आपने नहीं, मेरा सियासी सफर शुरू हुआ 1989 से, जब समूह साम्राज्य से 1979 और मैं 1990 में एज ए मेंबर पार्लियामेंट यूपी से आया। 1992-1996 आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम यूपी। 1976-2002 मेंबर पार्लियामेंट बिहार। फर्स्ट टर्म जनता दल, सेकेंड टर्म जनता दल। आई एम ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट जनता दल रूलिंग पार्टी 2002-2008। कंटिन्यू मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश 18 ईयर्स मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम इंडिया। उस जमाने में मिलादुन्नबी की छुट्टी के 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान की आज़ादी का नाम और अप्रैल 570 ईस्वी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बर्थडे 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और मिलादुन्नबी के मौके पर इंसान आज़ाद। जब हिंदुस्तान की आज़ादी की छुट्टी होती है तो इंसान की आज़ादी की भी छुट्टी होनी चाहिए। हमारी पार्टी जनता दल सोशल जस्टिस के नारे से सामाजिक इंसाफ, और मैंने पार्लियामेंट में कहा कि सामाजिक इंसाफ दुनिया में तारीखी तौर पर सबसे पहले जिस हस्ती ने कायम किया उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसानियत के लिए रहमत और आदमियत के लिए रसूल बन कर के आए। अब्दुल समस्त साहब मेरे दोस्त बाजू थे, अल्लाह उनकी मफरत फरमाए, और उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह दोनों भाई मिल करके इस काम को करवा लेंगे। और अल्लाह का फजल है कि 15 अगस्त 1990 को उनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वीपी सिंह साहब ने लाल किले की फसीली से सबसे बड़े दिन पर सबसे बड़े किले से कायनात के सबसे बड़े इंसान काबिल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद नबी की खुशी का ऐलान किया। हमारे रायचूर शहर के लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे रायचूर शहर आए और आप दोनों की खुशी से सर अब मैं आपको आज की जो सियासी हालात है और खासकर रायचूर शहर में एक नुमाइंदा और जिसके आज मरकजी लेवल ये दो मतदान देखिए पॉलिटिकल पार्टियों में हर गाँव और हर कम्युनिटी के लोग, और जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो आपका फर्ज होता है कि आप अपनी पार्टी के साथ वफादारी करें। नंबर वन
सीएम इब्राहिम साहब स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल कर्नाटक, मैं रजुल्ला खान आजमी ऑल इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनता दल। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जनता दल की भी जिम्मेदारी है जनता दल को सपोर्ट करना, और स्टेट के प्रेसिडेंट की भी जिम्मेदारी है। तो हम पार्टी के उसूल के मुताबिक और हिंदुस्तानी जमहूरियत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी यह समझते हैं कि हम अपनी पार्टी को, हमारा कैंडिडेट जीते या हारे, अपनी पार्टी को हमें सपोर्ट करना है। अब सपोर्ट किन बुनियादों पर हम कर रहे हैं, वो है पार्टी का उसूल और पार्टी का कसूर। अपने वाहिद पार्टी अपने को सेकुलर समझे, जो वाहिद पार्टी जनता दल है जिसके नाम के साथ सबसे सेकुलर भी लगा हुआ है, किसी भी सेकुलर पार्टी के नाम के साथ सबसे सेकुलर नहीं लगा है, वही जनता पार्टी जनता दल है जिसके साथ सबसे सेकुलर देवेगौड़ा जी की शख्सियत और उनका सियासत में सेकुलर किरदार, ये पूरे कर्नाटक को अच्छी तरह से मालूम। हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनकी महाशी कमजोरी की बुनियाद पर रिजर्वेशन हासिल करना मुसलमानों का हक, मगर किसी पार्टी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जहाँ ये वाहिद जनता दल थी जिसमें देवेगौड़ा ने कर्नाटक के मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन किया था और 4% चल रहा था, और ये बीजेपी की नफरत भरी सरकार मुसलमानों का वो 4% रिजर्वेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक पार्टी का लीडर प्रैक्टिकली तौर पर इतना बड़ा काम करके गुजरा है, जो काम 1947 से लेकर आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया, तो ये उसे हक पहुँचता है कि उसको जितवाया जाए, उसकी गवर्नमेंट बनवाई जाए, ताकि यहाँ एक सेकुलर सही मानों में गवर्नमेंट कायम हो और मुसलमानों के जो हकूक अब तक मारे गए उन हकूक की बहाली के लिए रास्ता खुल जाए। जैसे आपकी पार्टी इख्तलाफ में आई और खासकर मुसलमानों के लिए क्या है, हमारी पार्टी मैनिफेस्टो है जो कुछ है वहाँ के सामने बहुत अच्छा मतलब वो सारी चीज़ें हैं, बकरिया चीज़ें स्टेट प्रेसिडेंट से एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड।